राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एडवांस किसान में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धानुका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जेनेट फंगीसाइड के बारे में। जेनेट फंगीसाइड में के कंपोजिशन क्या है, इसका डोज कितना लेना है और इसे कौन कौन से फसल पर उपयोग करना है और ये कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं जेनेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें दो कंपोजिशन दिया गया है, पहला थाइफेनेट मिथाइल 38% और दूसरा कागुसा माइसिंग 2.21%। SC यानी कि सस्पेंशन कॉन्सनट्रेट फॉर्म पर यह इसको दिया गया है और इस दवाई को ब्लू लेवल पर बनाया गया है। ब्लू लेवल जो कि पर्यावरण के लिए और मानव जीवन के लिए किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं है। थाइफेनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, तो वही कागुसा माइसिंग जीवाणु नाशक है। तो इसमें जीवाणु नाशक और फफूंद नाशक दोनों दवाई को एक साथ मिलाकर जेनेट फंगिसाइड बनाया गया है। यह कौन कौन से फंगस को दूर करता है, तो यह बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट और पाउडी मिल्ड्यू के लिए बहुत बेहतर रूप से काम करता है। इसको हम टमाटर और धान की फसल पर उपयोग कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको प्रति 15 लीटर पंप पर 40 से 50 ml लेना है और प्रति एकड़ 400 से 500 ml लेना है। थाइफेनेट मिथाइल और कासुगा माइसिन, ये दोनों दवाई का कंपोजिशन किसी एक दवा में और किसी कंपनी के पास नहीं है, केवल यह धानुका के पास जेनेट पर ही है। थाइफेनेट मिथाइल रोको में देखने को मिलता है और कासुगा माइसिन कासु बी में देखने को मिलता है, तो अलग अलग देखने को मिलता है। ये दोनों दवाई एक साथ होने के कारण यह बहुत बेहतर रूप से काम करता है। यह स्प्रे करने के तुरंत बाद अपना काम करना चालू कर देता है। इसमें फफूंद नाशक और जीवाणु नाशक दोनों ही दवाई है एक साथ मिला है, जिस वजह से बहुत बेहतर रूप से काम कर